शरते जिंदगी होनी चाहिए। अब बोलो ना, ये तू जाके मैं फैसलाबाद बयान कर सकना, ये तू जाके मैं दुबई बयान कर सकना, शारजा बयान कर सकना, कवेत जाके बयान कर सकना, मैं पेशावर जाके बयान कर सकना वा, तो जलालपुर उठ के जेल नहीं बयान करना। ये नहीं गल तू बजो फरमाओ, मैं थोड़ी मोहब्बत वेखना तो मेरा दिल करता मैं आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद बयान करा। मिलाद उन नबी का महीना चढ़िया, तो पहला दिन मिलाद दिन तकरीर पे करना, ये तक मैं सरकार का मिलाद बयान नहीं किया, मेरा दिल है थोड़ा मिलाद बयान करा, पर मिलाद वास्ते तैयार तो हो जाना। उच्चा बोलो फिर कोई सुभान अल्लाह। मुझे देखे तो फकत निगाहे मुस्तफा देखे। अल्लाह अकबर। जो बार बार इशरार किया ना, गल नजर नहीं करनी, बार बार इशरार किया तो रब ने फिर इशाद फरमा दिता। एक दिन रब ने फरमाया लम्मा तजल्ला रब्बहु लिल जबल, फरमाया ऐ मूसा अगर मुझे देखना ही चाहते हो तो फरमाया जाओ जबल पहाड़ पे, उस पहाड़ पे जाओ, मैं थोड़ी सी तजल्ली का नजूर करता हूँ, अगर देख के पहचान गया। माशाल्लाह मुबारक, तवज्जो फरमाओ। अल्लाह अकबर। फरमाया अगर देख के पहचान गया तो फिर, या बर्दाश्त कर गया तो फिर सोचें। तारीख गवाए, कुरान गवाए, 70 बंदे लेके मूसा अलैहि सलाम उठे। किन्ने? 70 बंदे लेके गए उठे। मौलाना इस्माइल हकी रहमतुल्लाह अलैह मा दी नजर, मौलाना इस्माइल हकी रहमतुल्लाह अलैह शोरा अफा किताब अपनी तसनीफ रूहुल बयान में जुमले नकल करते हैं। फरमाते हैं लम्मा तजल्ला रब्बहु लिल जबल, जबल पहाड़, जबल दे उते, पहाड़ दे उते थोड़ा जिया तजल्ली दा नजूर। हजरत जी किन्ना फरमाया सुई दे नक्के दे करोड़ में हिस्से दे बराबर तजल्ली दा नजूर फरमाया। किन्ना सुई दा नक्का ओदा करोड़ में हिस्सा, ओदे करोड़ में हिस्से दे बराबर तजल्ली दा नजूर फरमाया। मूसा अलैहि सलाम की निगाह पड़ी, कुरान फरमाता है तक्का वहरा मूसा साएगा। बड़ी दूर तक ले जाना तो हवारी मर गए। जदू होश आई, सुनियो जरा, जदू होश आई, मैं बड़ी जिम्मेदारी ना गल करना, मेरा जुमला जाया ना करे। जदू होश आई किसी शख्स ने मूसा अलैहि सलाम को पूछा, हजरत जी रोज कहते सो वहा, रोज कहते सो वहा, जो ने वहाया ते की मिली है। फरमाया इज्जत और जलाल वाले रब की कसम, रब ने तजल्ली का नजूल फरमाया। देख के बर्दाश्त नहीं कर सकिया, पर जरा थोड़ा जा वेखे ओदा असर यह होया है। रात का टाइम होवे, अद्धी रात का टाइम होवे, तारीकी रात होवे, 30 मील का फासला होवे, काले पत्थर के उत्ते काली चूटी भी चलती मैं देख सकूं। मलिक साहब तवज्जो फरमाओ, सुई दे नक्के दे करोड़वें हिस्से दे बराबर तजल्ली दा नज़ूर फरमाया। मूसा अलैहि सलाम मैं फरमान मैं वेखी, पूरी वेखी भी नहीं तो बेहोश हो गया, तो जो होश आई तो नज़र एडी तेज हो गई, 30 मील का फासला। सारे बोलना तो पूरा होना, 30 मील का फासला है। तवज्जो फरमाओ, गल करके तो मुंह ना छुपाया करो, सारा कुछ नजर आता। तवज्जो फरमाओ, आ मैं कोई ना मौलवी हां, तूने रुपये सीधे किए, मैं पढ़ाना भी हाँ, आ जेडे जेडे जने बैठे हो ना तुम, एडे एडे जने थोड़े ना दूने मौलवी मेरे शिगिर्द ने, तवज्जो फरमाओ जरा मेरे, ख्याल करो सुई दे नक्के दे करोड़वें हिस्से दे बराबर तजल्ली दा नज़ूल, फासला किन्ना 30 मील का।
ते फरमांदे ने तरीकी रात होवे अद्धी रात दा टाइम होवे त्री मील दा फासला होवे काला पत्थर होवे उत्ते काले रंग दी चूंटी चले ते मूसा वेख लैंदा अगला जिहड़ा जुमला बोलना चाहना जे नबी दे आशिक हो ते दिलों बोलोगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने ओ जिहड़ी तजल्ली फरमाई ना रब ने पहाड़ ते और रब दे अपने नूर दी नहीं मुहम्मद मुस्तफा दे नूर दी तजल्ली सुभान अल्लाह सरकार दे नूर दी तजल्ली फिर मैनूं कह दियो अगर मेरे मुस्तफा दे नूर दी तजल्ली सुई दे नक्के दे करोड़वें हिस्से दे बराबर मूसा वेखण ते जनाब बेहोश हो जाण जदों होश आवे ते नजर इन्नी तेज हो जाए ते जिहड़ा नबी सिर दे बालां तों लै के ते पैरां दे नलैण दी धूड़ तक सराबा नूर पढ़ के उस मुस्तफा दे अपनी नजर का कमाल की हो सरकार की अपनी नजर का कमाल की हो अगो मौलवी और बोले हम नहीं मानते तो मैं कहा समान खाओ नहीं समझ आए हाँ मैं कहते फिर नहीं मानते थे मान गो ये दलील कच्ची है मैं कह केड़ी अरे ओ नूर की तजली मुस्तफा दे नूर दी नहीं रब दे अपने नूर दी सी मैं कहा कसमां नूं कहा तू ना मन नहीं मंदा ते असीं ते मनण वाले घर पैदा होया चल तू नहीं मंदा सुभान अल्लाह नहीं समझ आई आ नौजवानों तवज्जो करो मैं कहा तू नहीं मंदा ते ना मन असीं मन जांदे आ कहिंदा मानो फिर अल्लाह के नूर की थी मैं कहा अल्लाह दे नूर दी मन जांदे आ ते फिर सुन साडे कोल फिर भी जवाब आवे कि जे रब दे नूर दी तजल्ली सी ते मूसा अलैहि सलाम सुई दे नक्के दे करोड़वें हिस्से दे बराबर वेखण ते तजल्ली वेख के बेहोश हो जाओ जदों होश आवे ते मूसा दी नजर एडी तेज हो सकदी है ओ मेरे मुस्तफा ने ते पूरे दा पूरा रब वेख्या है रब ने यार नूं कोल बुलाया रब ने फरमाया महबूबा जिवें तू आया इंज आउंदा नहीं कोई हजरत मुहम्मद मुस्तफा की नजर पई अल्लाह अकबर फिर इधर नहीं वेखिया उत्ते नहीं वेखिया जहां थले नहीं वेखिया बस रब नू वेखिया मेरे रब ने फरमाया महबूबा मेरा दिल करदा तेरे वेखण दी अदा नू कुरान च नाज़िल कर दिया नबी दे नौकर असा इस मामले च लम्मिया नहीं पैना लवांगे डट के कट जाइए मुकद्दर है बच जाइए तभी मुकद्दर है अल्लाह दे फज़ल नाल जे जिंदा रहिए तो तभी नबी दे गुलामा विच ते जे नबी दे इश्क विच मर जाइए तो तभी नबी दे रसूल के अमस्मते रसूल के अमस्मते रसूल के हम चादरे बतूल के तवज्जो फरमाओ भाई गल क्लोज करा अल्लाह हू अकबर रब ने फरमाया महबूबा तू इंज वेखना पे मेरा दिल करता तेरे वेखण दी अदा नूं कुरान च नाज़िल कर दिया सुभान अल्लाह रब दा कुरान बोलिया फरमाया महबूब कयामत दी शाम तक कुरान पढ़िया जाएगा जेड़ा कुरान पढ़ेगा बोलेगा दसेगा मेराज दी रात मुस्तफा ने किवें रब नूं वेख्या फरमाया मां सागल बसरो व मां तगा फरमाया लोको रात मेराज दी सी मैं वहाउण वाला यार वेखण वाला मैं महान दा हक अदा कर छड्या यार ने वेखदा हक सुभान अल्लाह फिर सुनो बकौल मौलवी के तवज्जो बकौल मौलवी के
वो नाजल होने वाला नूर अल्लाह का नूर था। तो फिर सुनो, अगर रब के नूर की तजल्ली सुई के नक्के के करोड़वें हिस्से के बराबर मूसा देखे, तो मूसा 30 मील के फासले तक बाजरा पत्थर पे काली चींटी तेल सकते हैं। मेरे नबी की निगाहों ने रब का जलवा देखा तो गुंबद हजरा मेरा के सारी कायनात को देख सकता। शौक की गल कर लगा इश्कालिया वास्ते, अल्लाह ने यार को जलवा दिखाया, मुस्तफा वापस आने लगे। तवज्जो, मुस्तफा वापस आने लगे। हाल के कायनात ने फरमाया महबूब, मौला हुक्म हो, फरमाया तेरी निगाहों ने मेरा जलवा देख लिया है, अब तुझे कमाल दूंगा। मौला क्या? फरमाया अब तेरी नजर पत्थर पे पड़ेगी तो वो भी बोलेगा। पत्थर नहीं बनना। फरमाया महबूब, अब तेरी निगाह पत्थर पे पड़ेगी तो तू पत्थर पे निगाह डालेगा, पत्थर भी बोलेगा। अब तेरी नजर पहाड़ पे पड़ेगी, पहाड़ भी बोलेगा। अब तेरी नजर जानवर पे पड़ेगी, जानवर भी बोलेगा। फरमाया तेरी नजर सूखे खजूर के पत्तू पे पड़ेगी, वो भी बोलेंगे। फरमाया महबूब, अब तेरी नजर कंकड़ियों पे पड़ेगी, वो भी बोलेंगे। जानवरों पे पड़ेगी, वो भी बोलेंगे। फरमाया महबूब, तेरी नजर में वो कमाल रख दिया है, तेरी नजरें फिरती जाएंगी। मैं किबले फेरता चला जाऊंगा, तेरी फिरती जाएंगी, मेरे किबले फिरते। दो दलील, एक दलील और तो बाद हदीस पाक। क्या बात, एक बार बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाओ ना, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह। कौन? सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम। तवज्जो, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम भाइयों का आमना सामना हुआ। आपने फरमाया बताओ भाई मेरे बाप का क्या ख्याल है? उन्होंने कहा जी आपकी जुदाई में रो रो के आंखें सफेद हो गई, आप जानते हैं ना। आपने फरमाया झाबू में कमीसी हादा बाल को अला वज है अभी याद बसीरा, ये मेरा कुर्ता ले जाओ, जाके बाप की आंखों से लगाना तुम्हारा काम है, नूर का वापस लुटा देना मेरे मौला का काम है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं तो वजह फरमाए ना, उलमा हाफिज़े कुरान तशरीफ फरमाए, मैं कुरान पढ़ूंगा। 13वां सपारा सूरत यूसुफ, आपका एक भाई निकला मिस्र के दरवाजे के बाहर, मिस्र के दरवाजे पे खड़ा है, आपके कुर्ते को यू करके हवा में लहराया, हवा में लहराया, तो मिस्र के दरवाजे से मुल्के कनान का फासला 40 मील का। कितना ऊंचा बोलो, मिस्र के दरवाजे से मुल्के कनान का फासला 40 मील का। इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई ने आपके कुर्ते को हवा में लहराया, उधर 40 मील के फासले पे याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया घर वालों जमा हो जाओ। जब इकट्ठे हो गए, पूछा क्या बात है? फरमाया रीहा यूसुफा लौला अंत फन्नदू, फरमाया मान जाओ आज मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। फरमाया मान जाओ मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम की, मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही है। भाई सुनो ना, शौक वाले हो, मोहब्बत वाले हो तो सुनो। मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ अल्लाह के नबी यूसुफ बताओ तुम्हारे जिस्म में खुशबू कैसी? फरमाया मुस्तफा के सदके से। मुस्तफा के सदके से। मैंने पूछा तुम्हारी कमीज में खुशबू कैसी? फरमाया मुस्तफा के सदका से। मैंने पूछा तुम्हारे कुर्ते में शफा कैसी? कहते हैं मुस्तफा के सदका से। मैंने यकूब अलैहिस्सलाम से पूछा आपके नाक में जो सूंघने की कुवत है, फरमाती है मुस्तफा के सदके तो जिसके जोड़ों के सदके अंबिया को एक दूसरे की पहचान दे दी, वो तो मुस्तफा की पहचान का लक्षण। मुस्तफा की पहचान का त्रै दलील ने दिया ने, तो दलील एक ही बड़ी होंगी। बार मैं किसी जाके दसो तो एक गल करा तो एक काम की गल बार नहीं पुछानी, अपने खाने च रखे। मौलवी और आए दौड़ते एक गली च बड़े उत्ते एक बंदा खलोते
ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਫੁਲਾ ਹੈ ਅਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਦੂਜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਵੜੇ ਆ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੀ ਬਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੀਜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਵੜੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਔਰ ਵੀ ਘਰ ਆਏ ਅੰਮਾ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ ਅੰਮਾ ਦੱਸ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤਵੱਜੋ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਲਾਣਾ ਸ਼ਖਸ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਖੜਮਾ ਨੂੰ ਖਾ। ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੌਲਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਿਓ ਮੰਨ ਗਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਕੱਲੀ ਅੰਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਓ ਕਹਿ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਓ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਯਾਰ पीछे से कुछ हजरात आ रहे हैं, थोड़े थोड़े आ गया, थोड़े थोड़े गया। मुस्तफा के जिक्र का वास्ता है, तुम थोड़े 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 गया, नाले नेड़े हो जाओ मेरे, थोड़े फासले मुक जाने, नेड़े हो जाओ, नेड़े हो जाओ। पिछे मैंने कुछ चेहरे इन्हें दे नजर पे आते ने जेड़े बड़े प्यार वाले ने, लेकिन वह पिछे गए ने। तो मैं सहमत नहीं देना चाहता, क्योंकि हर बंदे का अपना एक सिलसिला है। तो वजो फरमाओ जरा, अल्लाह अकबर। कहते मेरा ये बाप है, तवज्जो, मेरा ये बाप है। मैं कि तूने तेनू कि आख्या है? मेरी अम्मा, सुभान अल्लाह, नहीं समझ। मेरी मां ने आख्या है, मेरा बाप। मैं कह जे मां तेरी आखे ते किसे नु अपना बाप तस्लीम कर लेना है, तो मेरे रब ने तो कितनी बारी आख्या मेरा यार बिंद है, मेरा यार बिंद है, मेरा यार सुन दे, मेरा यार बिंद है, मेरा यार सुन दे, मेरा यार नूर है, मेरे यार वर्गा कोई नहीं, मेरे यार वर्गा कोई नहीं। दलीला मंगना आलम है तू, है फिर दलीला मंगना। लेकिन सुनो, मैं तीन दलीला कुराने पाक चू दी, हदीस पाक सुनो। और ये हदीस जी मैं बयान कर रहा वो सही बुखारी सी, सुभान अल्लाह, सही बुखारी। हदीस बड़ी मजेदार है, बोलना जो अपने साहब ना किदी हदीस है? सही बुखारी, सही बुखारी शरीफ। ओ आखरी शख्स जेड़ा बैठा डार साहब मोहतरम, हां जी हुण नजर आए ने, तवज्जो फरमाओ ना मेरे प्यार वाले। और सारे अल्लाह ताला तुहानू सलामत रखे, कारोबार च बरकत अता फरमाए, नबी दा इश्क लैके आए हो। सुनो मेरे नबी दा मकाम की है, सही बुखारी शरीफ दी हदीस। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी दे मसल्ले ते खलोते ने, सरकार मस्जिद नबवी दे मसल्ले ते खलोते ने, ते सहाबा दी जमात पिछे, ते सरकार ने नमाज दी हालत विच इंज हाथ वधाया ते कदम वधाया, तवज्जो, हाथ वधाया कदम वधाया, हाथ वधाया कदम वधाया, तीन मरतबा ये काम कीता। जब नमाज मुकम्मल हुई सरकार ने सलाम फेरिया, उस सहाबी सन, अगले का नाम मैं नहीं लैना, सहाबी सन, समझ गए हो तो नहीं समझे, हम समझे आइए भी नहीं समझे, ए आलो तकरीर सुननी छड़ दी। मुस्तफा करीम का मकाम तो वेखो, जिस नबी की महफिल जाके बैठे, सरकार ने एक बार भी कदम वधाया, हाथ वधाया, दूजी बारी जगह केड़ी? मस्जिद, मस्जिद नबवी शरीफ, मस्जिद नबवी का मसला। पिछे सारे से आदमी नमाज पकड़ रहे, सलाम फेरिया, दवा मंगी, एक सहाबी नमाज विच की कीता, बड़िया गल्ला कर देना, हम बड़े ये दीन के बड़े पासवान है, जारमा तेन तो अल तक बोलने की तमीज नहीं आई गल्ला करना। सहाबी को पुछ नबी का इश्क की, नबी का अदब की,
फिर झुकाया हट जो सोने नमाज विच की पे करदे सो पर मैं की गल सोने जे साडा दिल करदा ना जिवें तुसा कीता असी भी करिए जिवें तुसा कीता दिल करदा असी भी करिए सरकार दसो ते सही क्यों कीता है किस वजह तों कीता है साडे वास्ते आर्डर करन दा है जां अगर हदीस ना हो मैं गौश का मरीज नहीं ते हदीस वहा गया ते मन जा मेरा मुस्तफा फेर सकता दसो की कीता जी सुने जे दिल दया कना नाल जाके सरकार ने फरमाया मैं नमाज पे पढ़ा सा मैं नजर उठाई है रब की जन्नत नजर आई है जन्नत ना 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 मैं हदीस बयान करना यार थोड़ी इतला वास्ते रहते मैं दसना तुम जन्नत कितने मैं मेरे को पूछ गया मैं जन्नत रबू वे मैं मूह देखो रबू वे नहीं समझ तुम समझ नहीं लगा मैं इशारा करके अरे मैं मुस्तफा की गल करनी है आमिन दे लाल की गल करनी मैं ओदी गल करनी है जिदिया गल हर वेल रब करता रहता है तवज्जो फरमाया मैं इंज करके ना नजर चुकी ते रब दी जन्नत सामने आ ते जन्नत का दरवाजा खुल गया ते अंगूर दा एक गोशा मेरे सामने आ गया मैं इंज करके ते उन तोड़न लगा हदीस दे लफ्ज़ ने बोला मां तशरीफ फरमा तोड़न लगा मैं सहाबा वास्ते तोड़ना नाल दिल विच ख्याल है नहीं रहन दियो राज दी आसमान तक साढ़े नौ करोड़ मील का फासला हदीस पाक दे किन्ना साढ़े नौ करोड़ मील का फासला हदीसे पाक दे लफ्ज़ ने जमीन तू आसमान तक साढ़े नौ करोड़ मील का फासला है ते जिन्ना फासला जमीन आसमान दा ना इन्ना पहला आसमान मोटा है साढ़े नौ करोड़ मील का फासला जमीन तू आसमान तक ते जिन्ना फासला ना उन्ना पहला आसमान मोटा है ते दूसरे आसमान तू लैके तीसरे आसमान तक फिर इना फासला तीसरा फिर इना साढ़े नौ करोड़ मील फासला दरमियान का साढ़े नौ करोड़ मील फासला आसमान की मोटापे का सत जमीन सत आसमान सत जमीन वह भी तो जमीन है ना जेडे पहले आसमान के उत्ते सोची गल वास्ते पै गए थलड़ी की गल नहीं पै करता मैं अपनी गल पै करनी तू फासला साढ़े नौ करोड़ मील का फिर पहला आसमान एडा मोटा फिर अगे साढ़े नौ करोड़ मील का फासला फिर एडा आसमान मोटा दरमियान का फासला साढ़े नौ करोड़ मील मोटापा साढ़े नौ करोड़ मील आया तो साहब कितनी ऊंचाई बननी सत्त आसमान उत्ते जाना सुनो ना ते मेरी सरकार का मकाम की सरकार ने यह इंज वेखे जन्नत का दरवाजा खुल के सरकार ने यह इंज हाथ वधाया ते जन्नत तक पहुंचिया कितने तक जन्नत तक पहुंचिया ते तुहाडे कोलों मैं एक बारी पूछ लां ए नजर दी लंबाई ज्यादा या हाथ दी नजर
बड़े बोले ब्रीक हो, नजर की लंबाई ज्यादा ना। अब देखो ना मेरा पांच साढ़े पांच फुट काट देते, जो मैं हाथ चुका तो दो फुट और बढ़ जाएगा, है नहीं फुट बढ़ जाएगा, दो फुट बढ़ जाएगा, तो जो मैं नजर चुका तो आसमान तक जाएगी ना। फिर भी समझ नहीं आई, मुल्ला नू पता नहीं लगा अगर नबी का हाथ उठे तो मस्जिद नबवी का मसला होवे, हाथ उठे तो जन्नत तक पहुंचे, और जिसे हाथ की लंबाई इतनी है उस मुस्तफा की नजर की लंबाई का कमाल। नहीं समझ रही, और जिसकी हाथ की लंबाई इतनी है उस मुस्तफा की नजर की लंबाई का कमाल। आओ एक और हदीस सुन, नबी दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बैठे ने, तवज्जो बैठे ने सरकार गुलामा विच, सियासता दी हदीस बड़ी जिम्मेदारी दी, बैठे ने ते गुलाम बैठे ने, ते मुल्के शाम विच जंग लड़ी जांदी, किथे मुल्के शाम विच जंग लड़ी जांदी, ते सरकार ना अखां बंद करके ते आपे फरमांदे ने, आपे फरमांदे ने झंडा फलाने के हाथ में आ गया, वो भी शहीद हो गया, हूँ झंडा फलाने के हाथ में वो भी शहीद हो गया, हूँ झंडा फलाने के हाथ में वो भी शहीद हो गया। चौथा जुमला सी मेरे मुस्तफा का, फरमाया लो हूँ झंडा आ गया, अल्लाह की तलवार सैफुल्ला को खालिद बिन वलीद के हाथ में, फरमाया ये हूँ फतह करके आएगा, गुलामों तीसरी हदीस सुनो, ए मौलवी साहब ने कोई तकदीर भी की, मुस्तफा करीम फरमाते ने मैं जानना मेरे तेड़ा कि दुरूद सलाम पढ़ता, मैं जानना केड़ा केड़ा मेरे दूर तो सांपल दा। मौलवी साहब ने तर्जमा किया, हे अल्लाह का महबूब को पता चल जाता है कि कौन कौन मुझ पे दुरूद सलाम पढ़ता है, आगे तशरीफ करता है, असल में अल्लाह के नबी की नजर काम नहीं करती। मैं चुप करके बहो, अगली गल सुने, मैं कहा मौलवी जी फिर अगू चलो छो, मैं कहा मौलवी जी अगू फिर पको, कहना असल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के सामने एक फरिश्ता खड़ा है, एक फरिश्ता खड़ा जो पूरी कायनात के दुरूद सलाम सुनता और नबी तक पहुंचाता है, तवज्जो, नबी के दरवाजे के सामने एक फरिश्ता खड़ा जो सारी कायनात के दुरूद सलाम सुनता है नबी तक पहुंचाता है। मैं क्या फरिश्ता किधर लोते हैं, कहना दहलीज़े मुस्तफा पे, नजर भी चुकदा नहीं, नजर हदीस में महान, नजर भी चुकदा नहीं, चुका के नजर चुका के नबी दे दर ते खलोती है, ते सारी कायनात दे दुरूदे सलाम सुनदा। मैं क्या मुल्ला अकल दा इलाज करवा, और जिस मुहम्मद दे दर दा दरबार कायनात दे दुरूद सुनदा है और तहत बैठा मुहम्मद क्यों नहीं छोड़दा। अरे ये हाल है हिदमतगारों का, अरे ये हाल है हिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या हो। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने अपने दौरे खिलाफत में बैठे ये वाहबियां ने भी नकल की थी, इन्होंने कई पुत्रां ने डंडी भी मारी, हम नहीं मानते। मैं क्या अबू जी ने लिखी जी, ये आपके बापू ने लिखी है, अगर पता नहीं कि पढ़ी गिरवा नहीं ना पिया। मैं क्या मौलाना अशरफ अली थानवी ने नबी को नूर साबित किया, मुफ्ती अब्दुर रज़ाक क्या तुम्हारा दिल्ली का, उसने नूर साबित किया है जी, और उसके बाद तुम्हारा मौलवी इस्माइल उसने नबी को नूर साबित किया, तो पता है कि अंदर ने जो किताब लिखी तो सत्रह पत्रे बच्चे में समझ नहीं आई। मैं क्या हूं प्यो मन की फिर जरूरत पे, समझ नहीं है।
थापियां भने सियाणियां ने थापियां भनिया वैर नहीं मुकदे आ जो मर्जी है पिया कर। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला हो अपने मिंबर पे तशरीफ फरमा है हजरत सारिया को दूल्हा बनाकर खुद 3600 मील के फासले के जंग फासले पे जंग लड़ने के लिए भेजा। कितना फासला सारे बोलो 3600 मील के फासले पे जंग लड़ने के लिए भेजा। इधर जुम्मे का टाइम है फारूक आजम खुतबा दे रहे हैं दुराने खुतबा फरमाया या सारियतुल जबल या सारियतुल जबल या सारियतुल जबल सारिया पहाड़ की तरफ देख सारिया पहाड़ की तरफ देख। खुतबे से फारग हुए सिहाबा ने इसकी हुजूर सारिया को तो आपने खुद 3600 मील के फासले पे जंग लड़ने के लिए भेजा आप फरमा रहे थे सारिया तो पहाड़ की तरफ देख आप फरमा रहे मैं नजर चुकी रब ने पर्दे चुके मैं नजर चुकी रब ने पर्दे चुके मैं नजर चुकी रब ने पर्दे चुके ते 3600 मील दे फासले दे उत्ते मैं सारियां नूं वेखिया मनो इन्हां दी अब्बू जी ने लिखिया जी पुत्र एडे बेवफा ने नहीं अब्बा जी दा उस वेले दिमाग खराब है यार मैं कह जिस तेनू जन्म दिता ने उस वेले नहीं सी खराब मैं कह उदो सारा कुछ ही खराब है नहीं समझ आई तुम हजरात उलमा गुस्सा नहीं कीता मेरा हक बनदा तवज्जो फरमाओ ना जरा अल्लाह अकबर आपने फरमाया मैं नजर चुकी रब ने पर्दे चुके तो मैं वेख्या 3600 मील के फासले से जिथे सारिया बैठिया पिछू दुश्मन हमला करा तीन दिन गुजरे किन्ने तीन दिन हजरत सारिया तशरीफ लिया मदीने दे लोगों ने इस्तकबाल किया आंदिया पुछया सारिया किवें फतह हुई है फरमाया उमर की आवाज नाल फतह हुई फासले से उमर की आवाज को सुन सकते हैं अगर गुलामों की बसारत यह है गुलामों की समात यह है तो मदीने के ताजदार की कुव्वत और समात का क्या अरे ये हाल है इत्मतगार सरकार का आलम फिर क्या आओ हुण वे आखिर विच अली अली करवा करोगे हाथ चुको हाँ देखो ना नबी कुछ नहीं कर सकता मैं कहा फिटे मुंह तेरा नारे नबी ने नारे में कर कुछ नहीं कर सकता वो मुश्किल कुछ नहीं है दियो जिड़ा मौलवी सामने आ जाए ना जिड़ा बड़ी पक पक करे नाम समेटिया जाता कूजे च ना बंद हो मौला अली का नारा मार जे परा न डे पवे तो अली नू अली ना आके अली को अली मत बोलना ते जिस अली दे ना चेडी पावर दियो जिहड़ा मौलवी सर छड़दा जिहदा ना एडा ताकतवर है उस अली दा अपनी ताकत दा कमाल की होवेगा समझ आई कि नहीं आई आपने टंके दी चोट ते अपने दौरे खिलाफ च फरमाया फरमाया सालू नी अम्मा दू नगर फरमाया जो कुछ अर्श के नीचे है अली जानता अली जानता अली जानता है अजी ईसाइयों ने सवाल किए यहूदियों ने सवाल किए तरी गवाह है ईसाई और यहूदी सवाल करते करते थक गए पर अली जवाब देते थका नहीं है। आपने बोला सालू नहीं अम्मा दूना जो कुछ अर्श दले मैं जान उधर जिब्रील ने हाथ जोड़े अल्लाह दी बारगाह च या अल्लाह वे अली किड्डा वड्डा दावा पे करता सुभान अल्लाह फरमाया अली दावा ही नहीं करता नजर भी देती नजर भी दिती या अल्लाह जी हुक्म करे तो मैं अली दी बारगाह विच ना जा हुणे फिर झूठा बोलिया दाता पाक दाता साहब के पास क्या लेने जाती है शाहदौलत यही के पास क्या लेने जाती है हां जी पीर मेरे लिए के पास क्या लेने जाती है फलां के पास क्या लेने जाती है मैं क्या जालिम साडे ते फतवा लाने जिब्रील ते फतवा क्यों नहीं लैंदा जिहड़ा परत परत मौला अली दी बारगाह च आउंदा सुभान अल्लाह नहीं वो नबी की बारगाह में आता था मैं क्या तू तो मन्ना मन की कसम खाती असि मान जाने नबी पार को आउंदे सन
ਤੇ ਖੁਦ ਮੌਲਾ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਆਪਨੇ ਸਹਾਬਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਣੋ ਇਹ ਸਹਾਬੀਓ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਭਰਾਓ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੋਲ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਠ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ दरवाजे जबरील पे फतवा क्यों नहीं लगाते जो अली की बारगाह में आता कभी यूसुफ कुएं में चले जाए तो वहां आता कभी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हलक पे छुरी हो तो वहां आता कभी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जनाब चीहा में चले चीहा में जाए तो वहां आता है और कभी यूनस मछली के पेट में आ जाए तो वहां आता मैं पूछा जबरील को जबरील जिस कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम जो खूह तेरी मंजिल है कहते नहीं नहीं मैं क्या जिस चीहा में इब्राहिम ने जबरील को पूछा मैं पता हूं थके किसी ने जबरील अलैहिस्सलाम को पूछा जबरील बताओ अर्श पे क्या करते रहते हो आपने फरमाया क्या पूछ लिया है तूने जब से मुस्तफा का मुख देखा है जब से मुस्तफा का मुख देखा है मस्जिदरा पे होता है तो कान उसकी बारगाह में लगा के रखता हूँ नजर मदीने की तरफ लगा के रखता हूँ मुंतजर रहता हूँ कब वहां से पैगाम आएगा और मैं मुस्तफा की बारगाह में जबरील किसे हुश कमाल की तरह ना नहीं जबरील ने अर्ज की थी अल्लाह जे मैं इजाजत दे तो जावा मैं अली दी बारगाह हमारा जाओ बस आखिरी जुमले एक शेर पढ़ना तो दुबा दी जा तवज्जो अल्लाहु अकबर जिब्रील अमीन आए मौला अली की बारगाह में तो हालात कैसे सफेद मामा शरीफ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हां रंग परंगिया पग्गा बनियां कदे इधर लगा जांदा कदे किसे चानकी चुकी किसे कप चुके हैं किसे बिस्तरा तरे है मैं क्या मौलवी जी किधर ये दीन के लिए निकले ते मैं क्या जालिमा ये क्यों चुकी जान दीन वासे निकलना ते फिर इनू क्यों चुकी जाना है जेड़े दीन वासे निकले हो अल्लाह ते भी तबार कर वो सब कुछ दे सकदा है सुभान अल्लाह दे सकदा है अल्लाह दी कसम मैं मेंबर सुन दे बैठे मैं असी लोगों के घर च जाईदा सरकार दे जिक्र वास्ते मेरिया भैन मेरिया मावां तेज दे बिस्तरे कट के सानू बछा के दिंदियां सोने बर्तन च रोटियां दे दारमा थुन्नी ते वेख अपनी दीन के लिए निकले कप नाल लैके पै जाना कदे रसूलुल्लाह दा हो जाए जिथे जाए दा चंगी रोटी लभेगी अल्लाह चंगी शरदे मुस्तफा दा हो जाए सरकार दा हो जाए अल्लाहु अकबर मुख्तसर हजरत जिब्रील आए सफेद मामा शी चिट्टी चादर हाथ विच तस्वी चिट्टा लिबास एक इंसान की शक्ल में एक मसला हल करना एक इंसान की शक्ल में एक बशर की शक्ल में एक बशर की शक्ल में एक इंसान की शक्ल में जबरील अली की बारगाह ते मैं की मौला जबरील कौन है फरमाया इनू ते मौलवी भी मनन के नूर है लिबास अली
ਨਬੀ ਦੀ ਨੂਰਾਨੀਅਤ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮੁਸਤਫਾ ਬਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਨੂਰਾਨੀਅਤ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ आइंदा मेरी हाजरी हुई ना जी इस कोठी विच अल्लाह तुहानू भी सलामत रखे ते जे मैं आया ते अगला मौजू मेरा नूर दा होवेगा सुभान अल्लाह तवज्जो फरमाओ नजर अल्लाह अकबर जिब्रील आए अस्सलाम वालेकुम फरमाया वालेकुम सलाम आपको अली कहते हैं फरमाया हां हां सुभान अल्लाह मिंबर ते कोच थल्ले कोच गाड़ी ते कोच ओ नहीं मैं तो नहीं सी आखियो मैं घर रिकॉर्ड हो सियासी बयान है मानो खा तवज्जो मिंबर ते भी एक रहना खलवत विच भी एक रहना जलवत विच भी एक रहना दुश्मन दी तलवार छले भी एक रहना ए फकत सुनिया दा काम है बस अल्लाह दे जलाल दी कसम है सिर्फ सुन्नी डटदा और किसी दी इन्नी जुर्रत नहीं जड़ा डट जाए मैं आपको नहीं कहते फरमाया हाँ मुझे अली कहते हैं आपका ये हुक्म है आपका ये फरमान है सारूनी अम्मा दून अलर शर्श के नीचे जो कुछ है मैं उसके हब रखता हूँ फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो पूछा बताओ फिर इस वक्त जिब्रील कहाँ आए सवाल कौन पे करता है पूछता कि ये पे जिब्रील कहाँ मैं दिखाता अपनों की किताबों में और गैरों की किताबों में मौला अली ने यह नहीं फरमाया वो एक हला में हवा में परवाज करने वाला एक तूती परिंदा है मैं उसकी क्या हब रखता हूं मैंने अशिया की बात की है मैंने नूरियों के सरदार की बात तो नहीं की ना ना पूछा बताओ बताओ जिब्रील कहां है अल्लाह के नबी के सिहाबी ने एकदम ऊपर देखा देर नहीं लगाई इधर देखा आगे देखा पीछे देखा मुस्कुरा के फरमाया खुद ही तो जिब्रील और फिर मुझसे भी पूछते हो जिब्रील का सुभान अल्लाह जिब्रील असल हालत में आए हाथों को बांधा हुजूर आपको कैसे पता चल गया मैं ही जिब्रील हूँ फरमाया इज्जत और जलाल वाले रब की कसम मैंने जब निगाह उठाई सातवां आसमान को चीरते फाड़ते हुए मेरी निगाह सिदरतुल मुंतहा तेरे बॉर्डर तक पहुंची मैंने देखा तू किसी आसमान पे नहीं है तू अपनी मंजिल पे नहीं है मैंने मशरक में देखा सारा मशरक देख लिया तू मशरक में नजर नहीं आया मैंने मगरब को देखा सारा मगरब देख लिया तू मगरब में नजर नहीं आया मैंने शमाल और जनूब में देखा तू कहीं भी नजर नहीं आया तो फिर मुझे कहना पड़ा कि तू ही जिब्रील है अरे जिसके नौकर की नजर ये है ऊपर देखे तो सिदरतुल मुंतहा तक जाए इधर देखे सारा मशरिक देखे इधर देखे मगरब देखे शमाल देखे जनूब देखे अरे अली जी की नजर का ये कमाल है अली की नबी मोहम्मद की नजर का कमाल है नारा तकबीर नारा मजदूरी करते हैं फिर खाते मैं हम नबी का सरका खाते कहते हैं मैं मानता नहीं मैं कसमान का जहर ही खाना नहीं समझ रही तुम ऐसी मिसाल देने लगा जिन्होंने मौलवी रद्द नहीं कर सकता इस वास्ते कि जिहड़ी मिसाल देने लगा अये तक लोग जिंदा ने अये तक लोग जिंदा ने जिहड़ी मिसाल मैं देने लगा 1978 विच गल नजर दी 1978 ऐ निगाह मुस्तफा दे उते मौजूद होते मैं बयान किया पेशावर दो बाप बेटा गवाह ने और कोई साथी गवाह होगा साड़ा नन्ना जा नकीब गवाह है मेरा मवाद उत्थे हो सी इत्थे हो रहे मैं मिसाल देने लगा जरा तवज्जो फरमाओ 1978 विच दरियाए नील के किनारे दो सहाबियां दी कबरां बनी ये तो गल्लां करदा फिरदा जबान दराजी करदा नबी की कैसे ले सकता है
वो तो मर गया नौज़ बिल्ला। मैं क्या तेरा मरिया होगा सारा तो जिंदा। मैंने तो मेरे इमाम ने आख्या तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले माना यह बनेगा। अर्ज करते ने अल्लाह की कसम यार सुल्ला तुसी जिंदा हो, अल्लाह की कसम तुसी जिंदा हो, पर मेरी नजर का कसूर है मैं तुम वेख नहीं सकता। मेरी नजर का कसूर है तुसी जिंदा हो। है जी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामा की नजर वेख। हजरत महाज बिन जबल अब्दुल्ला अंसारी दो सियासी दरियाए नील के किनारे दोवों की कबर ने एक दिन हाथ मिले 1978 किसी को हाथ मिले तो कहते हैं सानू इन्होंने कबर च कटो दरियाए नील का पानी साड़िया कबर च आता है। पूरा लिटरेचर मेरे को पे मैं वो बंदे भी विखा सकना। आई अगले दिहाड़े एक बंदा आया शायद इतने को बंदा बैठा हो मैंने उन्हें दसिया गुजराले के एक हजर साहब ने मौलाना अब्दुल गफूर शाह साहब है जी वो फरमाते मैं आप ही सारा कुछ भेजू और कई बंद है जी मैं गल करना गा सुनो और जिस वे बंद ने सवेरे उठ के लोगों में गल फैलाई कि मीडिया के जरिए अखबार के जरिए हदूद के जरिए एक गल जी गैर मुल्क तक भी पहुंची जर्मन जापान इंग्लैंड बरतानिया सारे ने लैटर लिखे उन्हें कॉलां कीतियां उन्हें आख्या ओए इराक के रहने वाले भाई मुसलमानों असी भावें गैर मजहब आ यहूदियां काफरां ईसाइयां लेकिन तुम एक दिन मुतयन करो जदों इन्हां सहाबा दियां कबरां खोलनियां ने इन्हां सहाबा दियां कबरां खोलनियां ने ताकि असी भी वेखीए जिदा ना एडा उच्चा मुहम्मद रहने वाले कबर नजर गल नजर दी है। अल्लाह हदूद लिखे आखिरकार मुख्तसारे वे इराक के मुसलमानों ने डिसाइड किया उन्हें आख्या भाई ईद की नमाज के बाद कबरू को खोला जाएगा। जब ईद की नमाज पढ़ी ईद की नमाज पढ़ी ते बरतानिया ते जर्मन ते इंग्लैंड ते अगे पिछे सारे गैर ममालक दे विच यहूदी काफर ईसाई कट्ठे हो गए उन्हें खैमे लाए सन वो पहुंच गए सन उत्थे ते जदों ईद दी नमाज पढ़ के मुसलमान आए कबरां उत्ते कबर खोलनी शुरू की ते मिठी चुंज दियां खुशबूआं शुरू होईआं कई काफरां दियां जबानां चों बेसाख्ता कलमे जारी हो गया। हाँ जी कलमे जारी हो गए जदों कलमे जारी होए ये मेरा पैगाम इंग्लैंड भी पहुंचेगा इंशाअल्लाह। हाँ जी ये बाहर के मुल्कों भी पहुंचेगा उत्थे भी कई जने होंगे जिन्हें वेख्या होगा 1978 ये कल की गल है हाँ वीडियो मौजूद है देखे ना जी मलिक साहब बड़ी सर्च है ना जी अल्लाह ताला सलामत रखे वीडियो मौजूद है तवज्जो फरमाओ जरा अल्लाह अकबर जब कबरां खोलनिया शुरू की हवावां चे बजी जनाब हवावां चे फदावां चे बजी खुशबूआं होनी आ पईआं कि जनाब काफरां दे ज़हनां ते असर हो गया ते ज़बानां चों कलमे जारी हो गए अल्लाह अकबर। ते जदों कबरां खोदियां ते उन्हां सोहणे सहाबी ते सोहणे नबी दे सोहणे गुलामां दियां डेड बाडियां जदों बाहर आईयां ते वेख के ते सारियां दी जुबान दे ते जुमला जारी हो गया जमीन मैली नहीं होती ज़मन मैला नहीं होता मुहम्मद के गुलामी का कफन मैला नहीं। मरन तेरे दुश्मन सुनिया मरन तेरे दुश्मन सुनी नु केड़ी जरूरत है मरन दी ना नबी आपे मरया ना गुलामा नु मरन दे अल्लाह हू अकबर। बरतानिया दे एक डॉक्टर है जेड़ा ए यहूदी सी आई स्पेशलिस्ट पोगा वदिया लेजर लाइट लाए